तेलंगाना के करीमनगर में सरकारी शिशु विहार में मासूम पर अत्याचार, केयर सेंटर में 8 मासूमों को गर्म चम्मच से दागा गया। शिशु विहार में बच्चों पर अत्याचार की खौफनाक तस्वीरें सीसीटीवी में कैद, किचन में खाना खाते बच्चों को देखरेख करने वाली महिला ने गर्म चम्मच से जलाया। महिला ने पहले गैस जलाकर चम्मच को खूब गर्म किया, फिर बारी बारी 8 बच्चों के जिस्म को गर्म चम्मच से दागा, 2 बच्चों के मुंह में भी डाला गर्म चम्मच, हालत गंभीर। तेलंगाना सरकार के आईसीडीएस कार्यक्रम के तहत संचालित होता है शिशु विहार, गरीब परिजन बच्चों को शिशु विहार के भरोसे छोड़ कामकाज पर भेज जाते हैं। बच्चों पर अत्याचार को बाल अधिकार आयोग ने गंभीरता से लिया, करीमनगर के डीएम को दिए जांच के आदेश। नेवी के शिप आईएनएस निरीक्षक में सिलेंडर ब्लास्ट, 16 अप्रैल को केरल तट के पास हुई थी घटना। घटना में 3 नौसैनिक हुए थे घायल, सभी घायल त्रिवेंद्रम सैन्य अस्पताल में भर्ती, 1 नौसैनिक का काटना पड़ा पैर। गुरदासपुर के मुस्तफाबाद में किया गया कृपाल सिंह का अंतिम संस्कार, पाकिस्तान की जेल में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी मौत, परिजन हत्या का लगा है आरोप। कृपाल के अंतिम संस्कार के में मुस्तफाबाद पहुंची थी सरबजीत की बहन दलबीर कौर, कल बाघा बॉर्डर से लाया गया था कृपाल का शव। भरतपुर की बीजेपी विधायक अनीता सिंह पर वीडियो को फोन पर धमकी देने का आरोप, वीडियो ने धमकी को किया रिकॉर्ड, विधायक ने कहा ऑडियो मेरा नहीं, की जाए जांच। भरतपुर में दबंगों ने एक दलित की बारात को घर सामने से गुजरने से रोका, हंगामे के दौरान हुआ पथराव, कई लोग घायल, इलाके में लगाई गई पुलिस। अलवर में शराबी पति से तंग आकर एक महिला ने की खुदकुशी, फिर उठी शराबबंदी की मांग। धौलपुर पुलिस ने अवैध शराब के कारोबारी को किया गिरफ्तार, भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद। अलवर से नाबालिग से रेप के 3 आरोपियों की 15 दिन बाद भी नहीं हुई गिरफ्तारी, खुलेआम घूम रहे आरोपी, पीड़ित परिजनों को दे रहे धमकी। बीकानेर पुलिस ने करीब 36 जुआरियों को किया गिरफ्तार, हजारों रुपए नकदी बरामद। 7 महीने की बच्ची से बलात्कार के आरोपी को पीड़ित के पिता ने कानून हाथ में लेकर दी सजा, पेशी पर लाए गए आरोपी के दोनों हाथ काटे, इसके बाद हुआ फरार। आरोपी ने साल 2014 में भटिंडा के 7 महीने की मासूम से किया था रेप, बालिग होने के बाद अब कल कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था आरोपी। साल 2014 में रेप की वारदात के बाद नाबालिग आरोपी को 3 महीने में मिल गई थी जमानत, इस बात से खफा था पीड़ित मासूम का पिता। मध्य प्रदेश के बैतूल में पेड़ से टकराई कार, दूल्हे के भाई समेत 4 बारातियों की मौत। बीकानेर में एक शादी समारोह में खाने के बाद 23 लोग हुए बीमार, बीमारों में 20 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल, 9 लोगों की हालत गंभीर। नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर में प्रवेश से रोकी गई स्वराज संगठन की महिलाएं, 5 बजे दर्शन की कतार में खड़ी थी। महिलाओं को त्र्यंबकेश्वर मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश नहीं करने दिया गया, इस दौरान जमकर हुआ हंगामा, इस दौरान एक महिला हुई बेहोश। बम की खबर के बाद अहमदाबाद में रोकी गई जेट एयरवेज की फ्लाइट, मुंबई जा रही फ्लाइट की जांच में जुटा बम निरोधक दस्ता। दिल्ली में चालान काटने को लेकर हुई बहस में ट्रैफिक पुलिस कर्मियों पर बर्बरता का आरोप, रोशन आरा रोड पर एक शख्स को नंगा कर पीटा, तोड़ा मोबाइल। मथुरा पुलिस ने ट्रक लूटने वाले 3 लुटेरों की गिरफ्तारी, लूट का माल और हथियार बरामद। आरा के बिहिया इलाके में शादी के जश्न के बीच पसरा मातम जश्न में हुई फायरिंग से एक बच्चे की मौत, 2 घायल। मध्यप्रदेश के अलीराजपुर में दबंगों की धमकी के बाद एक गरीब और विकलांग की शादी करने दल बल के साथ पहुंचे डीएम, कराई शादी, दिया आशीर्वाद। दबंगों ने गरीब परिजनों को दी थी धमकी, मांसाहार और शराब नहीं परोसे जाने पर नहीं होने देंगे शादी। हैदराबाद में कपड़े की 2 दुकानों में आगजनी के आरोप में एसीपी रैंक के अधिकारी का बेटा गिरफ्तार, सीसीटीवी में कैद हुई थी तस्वीर। दिल्ली के बेगमपुर इलाके में झगड़े के बाद कुछ लड़कों ने प्लास्टिक के सामान से भरे 3 गोदामों में लगाई आग, कई वाहनों के साथ आग में जलकर मरे 6 कुत्ते। बीती रात मुंबई में रफ्तार का कहर, फीनिक्स मॉल के पास करोला और टैक्सी में आमने सामने की टक्कर, हादसे में 3 लोग घायल। टैक्सी से टकराने के बाद कार के उड़े पर खच्चे, पुलिस ने दोनों गाड़ियों को कब्जे में लिया, टैक्सी ड्राइवर को हिरासत में लेकर हो रही है पूछताछ। मथुरा में दर्दनाक हादसा, पुरानी इमारत गिरने से 3 महिलाओं की मौत, 2 लोग घायल। दिल्ली में मोबाइल चोरी के बड़े रैकेट का पर्दाफाश, 8 लोग गिरफ्तार, 2.5 करोड़ के मोबाइल फोन जब्त। पुलिस के मुताबिक गैंग का दिल्ली के बाहर भी फैला था जाल, नेपाल और दूसरे मुल्कों में बेचा जाता था फोन। पुणे में कॉल सेंटर में काम करने वाली लड़की से कार में उसके बॉयफ्रेंड ने किया रेप, बाद में दोस्तों के साथ की बदसलूकी, 4 लोग गिरफ्तार।
यूपी के गोंडा में नाबालिग लड़की से रेप, गांव के एक युवक पर लगा आरोप, पुलिस ने दर्ज किया मामला। यूपी पुलिस का सामने आया बेरहम चेहरा, लखनऊ में दुकान लगाने के बदले 200 रुपए नहीं देने पर पूरी सब्जी का ठेला लगाने वाले युवक को पीट पीट कर अधमरा किया। दोस्तों के साथ पार्टी मनाने गुड़गांव गए तिहाड़ जेल के असिस्टेंट सुप्रिंटेंडेंट की गाड़ी पर हमला, फायरिंग में एक युवक और युवती को लगी गोली। फरीदाबाद के तिगांव गांव में आंगन में सो रहे नौकर की धारदार हथियार से हत्या, पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया। मेरठ में बेकाबू ट्रक ने स्कूटी सवार महिला को रौंदा, महिला की मौत से गुस्साए लोगों ने ड्राइवर और खलासी की जमकर की पिटाई। बिहार के गया में नक्सलियों का तांडव, लेवी नहीं देने पर हाईवे के निर्माण में लगे ट्रैक्टर को फूंका। गोरखपुर में बीमा के नाम पर ठगी की शिकार महिलाओं का डीएम दफ्तर पर धरना, कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की मांग। मुरादाबाद में रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षा में नकल करते पकड़ा गया परीक्षार्थी, बनियान में लिपटी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की मदद से कर रहा था नकल। कोल्हापुर में लेखक और पत्रकार डॉक्टर सुभाष देसाई को खत के जरिए जान से मारने की दी गई धमकी, पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायत। पंजाब के फिरोजपुर में 30 एकड़ गेहूं की फसल आग में जलकर खाक, किसानों ने की मुआवजे की मांग। फरीदकोट में कर्ज से परेशान किसान ने की खुदकुशी, कीटनाशक दवा पीकर दी जान। अजमेर के सांदोलिया गांव में खान ढहने से दो मजदूर मिट्टी में दबे, एक मजदूर जान बचाकर निकलने में कामयाब। बिहार के हाजीपुर में पकड़ा गया नशाखुरानी गिरोह का सरगना, चलती ट्रेन में यात्रियों को बनाते थे निशाना। बिहार के बाढ़ में दारोगा सुरेश ठाकुर के हत्यारों का अब तक नहीं मिला कोई सुराग, मंगलवार को सबूत की तलाश में पुलिस ने बाढ़ जेल में की छापेमारी। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन से जुड़ी याचिका पर हाईकोर्ट की सुनवाई, केंद्र की दलील पर हाईकोर्ट ने लगाई फटकार, कहा राजा नहीं है राष्ट्रपति। केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति के फैसले पर न्यायिक समीक्षा नहीं होने की दी थी दलील, कोर्ट ने किया खारिज। हंदवाड़ा कांड के बाद जम्मू कश्मीर में अफवाहों को रोकने के लिए सरकार का अजीबो गरीब आदेश, व्हाट्सएप में ग्रुप बनाने के लिए एडमिन को डिस्ट्रिक्ट सोशल मीडिया सेंटर में कराना होगा रजिस्ट्रेशन। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की नौकरशाहों खरी खरी, कहा राजनीति में रुचि रखने वाले छोड़े नौकरी। सीएम केजरीवाल ने किया दावा, बोले दिल्ली में 15 साल तक रहेगी आम आदमी पार्टी की सरकार। कोहिनूर मामले पर केंद्र सरकार का यूटर्न, कहा कोहिनूर को वापस लाने की कोशिश करेगी सरकार। सोमवार को सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कोहिनूर को अंग्रेजों ने लूटा नहीं था, गिफ्ट किया गया था। कोहिनूर पर शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने सरकार को लताड़ा, कहा कोहिनूर को वापस लाने में असमर्थता सरकार की कमजोरी। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी से मुलाकात के दौरान विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की पोशाक से खफा शंकराचार्य, कहा उन्होंने गलत काम किया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल आज बेजिंग में भारत चीन सीमा विवाद की 19वीं दौर की वार्ता में होंगे शामिल, मसूद अजहर पर चीन के रुख पर भी बातचीत की उम्मीद। अतुल्य भारत का ब्रांड एम्बेसडर मामले पर अमिताभ बच्चन ने तोड़ी चुप्पी, बयान जारी कर कहा अभी तक सरकार से कोई सूचना नहीं। अमिताभ बच्चन ने कहा अतुल्य भारत को लेकर औपचारिक रूप से सरकार ने अब तक उनसे संपर्क नहीं किया है। पनामा पेपर लीक मामले पर बोले अमिताभ, हमने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया, मेरे नाम का गलत इस्तेमाल हुआ। उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान का बयान, भ्रामक विज्ञापनों के लिए अब सेलिब्रिटी होंगे जिम्मेदार। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल की बैठक के बाद बोले पासवान, विज्ञापन करने से पहले विचार करें सेलिब्रिटी। उत्तराखंड हाईकोर्ट में राष्ट्रपति शासन के खिलाफ हरीश रावत की याचिका पर आज फिर से सुनवाई, कल कोर्ट ने केंद्र को लगाई थी फटकार। मंगलवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा राष्ट्रपति शासन लगाकर केंद्र चुनी हुई सरकार की शक्ति छीन रहा है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी का करेंगे दौरा, कल जनता दरबार में सुनेंगे लोगों की समस्याएं। तिहाड़ जेल के डीजी की नियुक्ति पर दिल्ली सरकार और एलजी के बीच बढ़ी तनातनी, सूत्रों के मुताबिक फैसले को रद्द कर सकते हैं उपराज्यपाल। केजरीवाल सरकार ने 1982 बैच के आईपीएस अधिकारी जेके शर्मा को नया डीजी नियुक्त किया, सूत्रों के मुताबिक उपराज्यपाल से नहीं ली गई अनुमति। महाराष्ट्र के अहमदनगर में भीषण जल संकट के बीच पानी पर पहरा, कुकरी नहर के पास प्रशासन लगाई धारा 144। महाराष्ट्र के बीड़ में तपती धूप में दिन भर हैंडपंप से पानी भरने के दौरान 5वीं की छात्रा की लू लगने से मौत, घर में पसरा मातम। मिराज से एक बार फिर लातूर के सूखाग्रस्त इलाकों के लिए पानी लेकर पहुंची 50 डिब्बों वाली ट्रेन, वैगन में 25 लाख लीटर पानी। सूखे से जूझते महाराष्ट्र में बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक और आईपीएल मैच की दी इजाजत, 1 मई को पुणे में होने वाले आईपीएल मैच के लिए दी इजाजत। सूखाग्रस्त बुंदेलखंड में सीएम अखिलेश के दौरे पर पानी की बर्बादी, हेलीपैड बनाने के लिए अफसरों ने बहा दिया हजारों लीटर पानी, विपक्ष ने सीएम को घेरा।
बांकुरा में स्थानीय निवासियों ने गंदे पानी को लेकर नगर पालिका दफ्तर पर किया प्रदर्शन, गंदे पानी की बोतलें लाए थे साथ। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अभी से बढ़ी सूती झंडों की मांग, चुनाव आयोग के नए नियमों के मुताबिक उड़ने वाली और लौह धातु की प्रचार सामग्री है प्रतिबंधित। महाराष्ट्र के बुलढाणा पहुंची साइंस एक्सप्रेस को देखने उमड़ी भीड़, ट्रेन में दर्शकों को जलवायु परिवर्तन पर जानकारी देकर बनाया जा रहा है जागरूक। 15 अक्टूबर को देश भ्रमण के लिए दिल्ली से रवाना हुई थी साइंस एक्सप्रेस, 16 डिब्बों वाली इस ट्रेन के जरिए रेलवे ने पर्यावरण जागरूकता को बनाया मिशन। इटावा की लायन सफारी में कुबेर नाम का शेर हुआ बीमार, इलाज में जुटी बरेली और मथुरा के वेटनरी कॉलेज की टीम, कानपुर चिड़ियाघर के डॉक्टर भी पहुंचे। माँ की भरपूर सेवा, कलियों के श्रवण कुमार बने आगरा के कैलाश, वर्षों से नेत्रहीन माँ को पालकी में कंधे पर लाद कर करा रहे चारों धाम की यात्रा। हैदराबाद में बीच सड़क पर एक महिला ने बच्चे को दिया जन्म, महिला कांस्टेबल ने की मदद। उज्जैन में सिंहस्थ महाकुंभ की उल्टी गिनती शुरू, 22 अप्रैल को पहला शाही स्नान, मेले में 5 करोड़ श्रद्धालुओं के जुटने की उम्मीद। तमिलनाडु के मदुरई में मीनाक्षी मंदिर में देवताओं की शादी समारोह का भव्य आयोजन, लाखों श्रद्धालुओं ने लिया हिस्सा। बीकानेर में 45 डिग्री तापमान के बीच सेना का शौर्य प्रदर्शन, दुश्मन के ठिकाने को नाबूद करने के लिए चौपर से कूदने का किया अभ्यास। जल्दी छोटे पर्दे पर आ रहा है रियलिटी शो इंडियन आइडल का 7वां सीजन, 4 साल बाद सोनी चैनल पर वापसी। अमन वर्मा के पिता का देहांत, दुखद घटना की वजह से स्थगित हुई 20 अप्रैल को होने वाली शादी। स्टार प्लस के लोकप्रिय शो ये है मोहब्बतें में मिस्र के हाईजैक ड्रामे की नकल, पूर्व पत्नी से मिलने के लिए अगवा किया था जहाज। शूटिंग के दौरान दिया बाती के एक्टर राशिद का फाइट मास्टर से अनबन, ट्रेनिंग के दौरान मिले निर्देश से नाराजगी। एक नाइट राइडर्स का दबदबा जारी, मोहाली में पंजाब को 6 विकेट से दी करारी शिकस्त। किंग्स इलेवन पंजाब ने जीत के लिए रखा था 139 रनों का लक्ष्य, कोलकाता नाइट राइडर्स ने 3 ओवर रहते जीता मैच। आज मुंबई का अपने घर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से मुकाबला, वानखेड़े में रात 8 बजे से खेला जाएगा मैच। आज क्रिस गेल के बिना मैदान में उतरेगी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम, पहले बच्चे के जन्म के समय पत्नी के साथ रहने के लिए वेस्टइंडीज रवाना। इक्वाडोर में आए भूकंप में मरने वालों की तादाद 443 तक पहुंची, अभी मलबे में दबे लोगों की तलाश है जारी। कनाडा के अल्बर्टा में आग की भयानक लपटों में दमकल कर्मियों को भागने पर किया मजबूर, कई दमकल कर्मी मामूली रूप से घायल। अमेरिका के टेक्सास में स्प्रिंग में सैलाब में फंसे 50 लोगों को रेस्क्यू के जरिए बाहर निकाला गया, मूसलाधार बारिश से शहर में बाढ़ जैसे हालात। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी मेलानिया ने न्यूयॉर्क प्राइमरी में किया मतदान, नवंबर में राष्ट्रपति पद के चुनाव में उम्मीदवार चुनने के लिए वोटिंग। मंगलवार को पाइनवुड स्टूडियो में स्टार वॉर्स के सेट पर पहुंचे प्रिंस विलियम और हैरी, दोनों भाइयों ने स्टूडियो में दिखाई दिलचस्पी। बात दिल्ली के द्वारका इलाके की करेंगे, जहां पर एक लड़का और लड़की ने ट्रेन के आगे खुद कर कूद कर जान दे दी है और कई घंटों तक दोनों की लाश पटरी पर पड़ी रही और एक के बाद एक वहां से